हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ा था अमीनो एसिड्स, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। सभी लोग अटेंटिव हो जाएं क्लास के लिए प्लीज। गुड मॉर्निंग ज्योति, नियाज गुड मॉर्निंग, हर्षित गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने टेस्ट दिया, आज मैं टेस्ट का जो हमने बताया था कि संडे को जो टेस्ट होगा उसका डिस्कशन हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है? तो कल जो टेस्ट हुआ था उसी की बातचीत हम लोग आज करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे तैयार हैं? कल का टेस्ट आप लोगों ने दिया सभी बच्चे? यस। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन ही देखते हैं, उसको बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अमीनो एसिड्स पढ़ाना था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो सब क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग करते हैं। देखिए अन्वेषा, आप बोल रही हो कि आडो सबमिट हो गया था सर। एक्चुअली उसमें क्या होता है, जब आप बैक करते हो ना तो हो जाता है, तो बैक नहीं करना है एग्जाम में, जो हो रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करना होता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, दे टेक ए लिविंग टिश्यू ग्राइंड इट, आप आंसर दीजिए। कल 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 वाले ही क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, 90 क्वेश्चन जो दिए थे कल हमने जो 90 क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, टेक ए लिविंग टिश्यू ग्राइंड इन ए ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार एंड देन स्ट्रेन इट, यू वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, एसिड सॉल्वर्ड एंड एसिड इनसॉल्वर फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्वर डज नॉट कंटेन्स, एसिड इनसॉल्वेबल में क्या नहीं होता? पहला है पॉलीसेक्राइड नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, लिपिड नहीं होता, या फ्लेवोनॉइड एंड अल्कलाइन नहीं होता, कौन सा नहीं होता इसका आंसर? हालांकि आंसर तो मिल चुका होगा आप लोगों को कल। डी आंसर इसका डी होगा। कितने लोग सही किए थे आप? नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन बायो मॉलिक्यूल्स। पॉलीसेक्राइड ए प्रोटीन बी, फैट सी, वाटर डी। पॉलीसेक्राइड के लिए ए है, प्रोटीन के लिए बी था, फैट के लिए सी था, वाटर के लिए डी था। तो यहां पर बताइए, पॉलीसेक्राइड में क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। फैट में क्या होता है? एस्टर बॉन्ड। और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा आंसर हो गया? बी। कौन सा आंसर होगा? बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड? फटाक से आंसर दो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड? जल्दी जल्दी आंसर देना है ना, कल कल ही का क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं। कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है? लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक, एरेकिडोनिक एसिड और ओलिक एसिड, ये तीनों क्या हो गए बच्चों? ये तीनों ये क्या हैं? बोलो। तो कौन सा आंसर होगा? पामिटिक एसिड, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है।
मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है और इसमें आपको देखना है, जैसे गैलेक्टोज है इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, ठीक है। एंटीकॉगुलेंट है या हिपेरिन है, फ्रक्टोज है या फ्रूट शुगर है, लेसिथिन है ये फास्फोलिपिड है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का थर्ड हमें लगता है डी आंसर है इसका, ए डी आंसर। सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉसेज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ए आंसर करेक्ट, कितने लोग सही किए थे इसको। नेक्स्ट है लेसिथिन इज, लेसिथिन क्या है, स्टीरॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड है या स्फिंगोलिपिड है, लेसिथिन क्या है। लेसिथिन पढ़ाए थे इसको, अभी तो ताजा ताजा पढ़ाए थे। फास्फोलिपिड है, क्या है फास्फोलिपिड, सी आंसर करेक्ट। यह किसका स्ट्रक्चर है बताओ, एनसीईआरटी का हालांकि ये स्ट्रक्चर है, ये मत बोल देना कि एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है सर। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट बी आंसर। सेकंड अगला है ग्लाइकोजन इज होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ, जल्दी जल्दी बताओ। ग्लूकोज यूनिट, बिल्कुल। नेक्स्ट, गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विद द रिलेटेड फंक्शन बाय विच, कोलेस्ट्रॉल ए कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, समझ गए होगे। स्टीरॉल न्यूक्लियस की तरह है ना, 3-6 कॉर्नर रिंग है, एक 5 कॉर्नर रिंग है और उसे फिर साइड चेन अटैच है। क्वेश्चन नंबर 9, तो कोलेस्ट्रॉल का है स्ट्रक्चर, कि कितने लोग सही किए हो। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब एनसीईआरटी से उठाकर मैंने क्वेश्चन दिया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फार्मूला सोन इन फिगर।
बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड, सी आंसर। अगला, गिवन मॉलिक्यूल बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बायो मॉलिक्यूल, R1, R2, R3, देखो ना, R1, R2 एंड R3 किसका है? सही है, डी, वेरी गुड। अगला, जल्दी जल्दी बताओ, तुरंत आंसर ऑप्शन दो, तुरंत एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं अगला क्वेश्चन ला दूंगा। आज सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ाएंगे। टेट्रोज हो जाएगा, एरिथ्रोज, पेंटोज हो जाएगा, राइबोज, हेक्सोज हो जाएगा, गैलेक्टोज एंड डाइसैकेराइड हो जाएगा माल्टोज। सीधा सीधा है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि सर इसको आप बताइए, मतलब और समझाइए, तो बताइएगा प्लीज, मैं उसको रिपीट करूंगा, मतलब इसीलिए डिस्कस करने के लिए तो ले रहे हैं इसको। आनंद कुमार, क्या डिस्कस करना है बताओ, मैं बताता हूँ, इस पढ़ाया हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला है सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेकंड है इनुलिन इज ए होमोपॉली। देखिए सेलुलोज क्या है, करेक्ट करेक्ट आंसर आपको देना है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर ना, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें चार की स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो सेलुलोज होमो ग्लूकोज का पॉलीमर है, कौन सा ग्लूकोज पॉलीमर होता है बच्चों? बीटा डी ग्लूकोज का। कौन से ग्लूकोज का? बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, इनुलिन ये होमो ऑफ फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। स्टार्च गिवन ब्लू कलर एंड ग्लाइकोजन गिव रेड कलर, ये भी सही है। आयोडीन के साथ सेलुलोज गिव नो कलर विथ आयोडीन, सही है, सब सही है। तो डी आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा? यस अंकिता, ग्लाइकोजन ब्लू कलर नहीं देता, रेड कलर देता है, सभी करेक्ट होंगे, डी आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। समझ गए होंगे इसका आंसर,
सेल थियरी वाज फार्मुलेटेड भाई, तो सभी लोग किए होंगे, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पर रुकता हूँ। ऑमनी सेलुलर सेल्ला आपसे कौन दिया था? रुडाल्फ विरचाउ ने दिया था, ठीक है, आंसर तो आपको मिल ही गया है। कोई डिस्कस करने वाला टाइप क्वेश्चन होगा तो उसको मैं बताता हूँ। द फिगर ऑफ कॉर्क सेल सीन बाई रॉबर्ट हुगर पब्लिश इन दी, किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, डी आंसर। अब देखते रहिए बस। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर सेक्रेटरी सेल? सेक्रेटरी सेल में गॉल्जी अपरेटस बहुत ज्यादा होता है ना, गॉल्जी अपरेटस इज एब्सेंट, आर ई आर इजिली ऑब्जर्व इन द सेल, ओनली एस ई आर इज प्रेजेंट, सेक्रेटरी ग्रेनुलर फॉर्म इन न्यूक्लियस, ये गलत है, ए भी गलत है, ए सही है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का बी अनिमेषा सही की है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल? इट हैज ए टी एस टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज ए टी एस टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब जो सही नहीं है, मतलब जो गलत है, आप ऐसे कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बड़ा फंस जाता है, जैसे पूछा विच इज नॉट ट्रू, तो ट्रू उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है, ट्रू वाले को टिक कर दे, जबकि इसको अगर सिंपली बोला जाए तो बोलना चाहिए कि विच आर रॉन्ग, तो जो सही नहीं है वही गलत है ना, तो ये फंसाने के लिए बस इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ATS प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, यही गलत हो गया। ATS नहीं होता, 70S होता है, माइटोकॉन्ड्रियम कौन सा होता है? 70S होता है। इट हैज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ना, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, यही गलत है पहला वाला फर्स्ट। नेक्स्ट, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? प्रेजेंस ऑफ टू लेयर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ डीएनए। प्लास्टिड डिफर, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना इसमें, सी होगा करेक्ट। अगला 21, विच आर द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन द सेल? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल, ऑल ऑफ दिस। विच आर द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल? सब है, ऑल ऑफ दिस, डी आंसर। 22 का बच्चा बताओ, पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ, पॉलीराइबोसोम क्या होता है? उसी को पॉलीराइबोसोम, उसी को पॉलीसोम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पॉलीसोम भी बोलते हैं पॉलीराइबोसोम को। अगला, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल आर यूजुअली एब्सेंट, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, गॉल्जी अपरेटस इज फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम।
रॉन्ग है, गलती से स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये सही है, ये भी सही है, ये सही सही है, ये गलत है, माँ गलत है, माँ गलत है। नेक्स्ट, बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो कि सर ये क्या मतलब? देखिए टेस्ट हुआ है तो क्वेश्चंस के बारे में जब तक डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे तो उसे कोई फायदा नहीं होता। क्वेश्चन तो ढेर सारे गाइड वगैरह में रहते ही है ना, तो उस पर हम लोग देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सभी लोग ध्यान दें। एक तरीका होता है पढ़ने का, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो उसके चार ऑप्शन होते हैं, वो चार ऑप्शन नहीं होते बच्चों, वो ऑप्शन चार नहीं होते, वो कितने ऑप्शन होते हैं, वो क्वेश्चन एक नहीं होता, चार क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होता है, तीन ऑप्शन गलत होते हैं, लेकिन वो जो तीन ऑप्शन गलत होते हैं उसका कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जिसका आंसर वो तीन में से कोई एक हो ना। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है, चार में से एक गलत है, एक सही है, तीन गलत हैं, जो तीन गलत रॉन्ग आंसर हैं और जो तीन रॉन्ग आंसर हैं वो तीन में से उन तीनों रॉन्ग आंसर का कोई तो कोई राइट क्वेश्चन होता होगा, उस राइट क्वेश्चन को पढ़ते होंगे तो उसमें से कोई आंसर सही होता होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हमेशा याद रखिएगा, आप कम क्वेश्चन करिए लेकिन जितना आप क्वेश्चन करिए उतने क्वेश्चन को बढ़िया से रिकॉल करना है हम लोगों को। रिकॉल का मतलब जैसे मान लीजिए सोचो कि अच्छा इसका ए ऑप्शन तो सही है, ठीक है, बोलेंगे अच्छा बी आंसर तो गलत है, तो ठीक है बी आंसर गलत है, फिर आप सोचो कि इसका क्या क्वेश्चन होता कि बी आंसर सही होता, फिर क्या क्वेश्चन होता कि सी ऑप्शन सही होता। तो इस तरह का आपको बताना होगा, मतलब सोचना होगा, ऐसा सोचोगे तो आपको निगेटिव होने से आप बहुत बचेंगे, निगेटिव नहीं होगा। विच ऑफ दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल, बिल्कुल सही है, ये गलत नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन आरईआर, ये भी सही है। अब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत है, जबकि होता है तो 24 का ए होगा, सी होगा। कितने लोग सही किए थे? वेरी गुड। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ बैक्टीरिया इन सेल एनवेलप, बताओ क्या सीक्वेंस होगा? बोलो बच्चों, आज हम लोग पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, आज हम आगे नहीं पढ़े, कल मेरी क्लास होगी उसमें अमीनो एसिड को आगे पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन भी डिस्कस करना जरूरी है। ए होगा, सी आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का सी। आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। प्लास्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है? प्लास्मिड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बताना है बच्चों, अगला, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, सेल वॉल प्लास्टिड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑल ऑफ दिस,
27. करेक्ट, डी आंसर. सॉरी, प्लांट डिफर्मेंट. हाँ सही है, सेल वॉल भी होता है, प्लास्टिड भी होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होगा. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. जल्दी से आंसर दो बच्चों, ये सब पढ़ाए हैं क्लास में, कल भी आंसर दिए होंगे आप लोग. रिजल्ट लेकर मैं कल मैं रिजल्ट लेकर आऊंगा आप लोगों का, सभी कंबाइंड रिजल्ट देखता हूँ किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया हुआ. माइटोकॉन्ड्रिया 28 का सही है. अगला, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 29. बी, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट. बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ यार. 30 का कौन सा था? 75, करेक्ट. अगला, द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज नॉट स्टेबलाइज इन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद इन द सेल. प्रोवाइड द नीट स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड पिगमेंट. कीप द रिजिडिटी सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स. प्रोवाइड द सिस्टम चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल. कौन सा आंसर होगा बच्चों? ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं. इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है बी. नॉट बोला है ना बच्चों, नॉट, कौन सा नहीं है, नॉट बोला है. तो पहला तो हो गया स्टेबलाइज ए नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद इन द सेल. दूसरा है प्रोवाइड फॉर द नीट स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड पिगमेंट. अगला है कीप द सेल रिजिडिटी सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स. और प्रोवाइड, तो ये नंबर ऑफ कंपार्टमेंट तो बनाता ही है, ये तो सही बात है. ये नंबर ऑफ कंपार्टमेंट तो बनाता ही है सेल का, ये सही बात है. सी का देखते हैं, कीप द सेल रिजिडिटी सो दैट, ये रिजिडिटी तो देता ही है अंदर से स्केलेटन. जैसे आपके अंदर बोन है तो बोन की वजह से पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम खड़ा हुआ है, बोन की वजह से ही. तो ये क्या हुआ, कीप द रिजिडिटी, कीप द सेल रिजिडिटी, जो सेल की रिजिडिटी होती है वही मेंटेन रखता है. अगला है प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल. प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल. तो चैनल भी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी भी देता है. ये ऑर्गेनाइजेशन ये वाला होगा, क्योंकि इसमें एंजाइम से कोई मतलब नहीं होता, एंजाइम से कोई मतलब नहीं होता उसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से. अगला कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म सेल टू मेंटेन, ये सब तो पढ़ोगे. प्लाज्मोडेस्माटा होता है, डी आंसर. अगला, ए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक एंड प्रोड्यूस टू लेयर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर. द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज, बताओ इसको. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक एंड प्रोड्यूस टू लेयर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर. द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज, बोलो बच्चों, डी आंसर. डी ना यार,
फास्फोलिपिड का जो वाटर मॉलिक्यूल का पोर्शन होता है, मतलब जो वाटर विथ वाटर दी हेड ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, तो आपको याद करो ये ऐसे ही ना होता था, यहाँ हेड होता था उसका, ये टेल होता था, ये क्या है, प्रोटीन ही तो होता था ये, प्रोटीन है ना, हुआ। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। प्लाज्मोहर्षित बोला है बच्चा कि व्हाट इज सर प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इज ए कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा इज ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू एडजेसेंट सेल, दो अगल बगल के सेल को जो जोड़ता है स्ट्रक्चर उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम, न्यूक्लियस, उधर है विदाउट मेम्ब्रेन। बताओ जल्दी से इसका, क्वेश्चन नंबर 34। अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा, लाइसोसोम क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, राइबोसोम क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा, ये भी न्यूक्लियस भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। तो देख लो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड दो में है तो इससे मिलाओ न्यूक्लियस डी का भी थर्ड होना चाहिए, डी का भी थर्ड दोनों में है। अरे ए ए वाला आंसर हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट, लाइसोसोम आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाई प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। मेम्ब्रेन बाउंड गॉल्जी अपरेटस, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड गॉल्जी अपरेटस, मेम्ब्रेन कौन सा होगा, मेम्ब्रेन तो होता है और ये गॉल्जी अपरेटस होगा, ए आंसर होगा इसका, 35 का ये। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड ग्रेना। डिक्टियोसोम हो जाएगा सिक्रीशन, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा रेस्पिरेशन, वैक्यूल हो जाएगा आपका, वैक्यूल भी, ग्रेना हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, वैक्यूल हो जाएगा स्टोरेज। तो पहला का फर्स्ट का थर्ड फोर और सेकंड का फाइव, ये वाला होगा आंसर। इसका बताओ जो जल्दी से, विच आर दी नॉट ए फंक्शन ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिक्रीशन, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कृष्णा बताएंगे बेटा, वो टीसू में पढ़ाया जाएगा, बहुत लंबा है टाइट डेट्स है इसलिए नहीं बता रहे हैं, इसमें है ही नहीं सिल्वर में। कौन सा आंसर, डी सही है। 38, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप इन दी सेल्स विच सिंथेसाइज, स्टीरॉयड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऑल ऑफ दिस।
38 का ये स्टीरॉयड। अगला इमेज आर दी फॉलोइंग पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज लोकेटेड। बोलो बच्चों, इनर मेम्ब्रेन में, डी आंसर। अगला जल्दी जल्दी बताना है, 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है। व्हिच आर ऑर्गेनेल हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, बताओ बच्चों। सी सही है, सी बहुत सही है। मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर फंक्शन ऑफ, जल्दी बताओ इसको तुरंत। अब देखो यही क्वेश्चन है तो इसमें कोई आंसर नहीं है ना, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए किसका आंसर क्या होगा सर। इसका आंसर होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आनंद कुमार क्यों गलत कर रहे हो भाई, ये क्यों होगा, डिक्टियोसोम में कहाँ ही सब होता है। नोट्स आप लोग बनाइए जरूर, नोट्स को रिवाइज करिए तभी कुछ फायदा मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन्स आर, फैटी सीड में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको। करेक्ट, नेक्स्ट बताओ 43। अरे यार मैच कल फर्स्ट ऑफ कल न्यूक्लियोलस क्या करता है, सब गलत इधर उधर कर रहे हो। न्यूक्लियस आरएनए सिंथेसिस करेगा तो ए का फोर हो जाएगा, तो ए का फोर। और स्फीरोसोम क्या करता है, स्फीरोसोम क्या करता है, लिपिड से रिलेटेड है, तो बी का फर्स्ट, तो ए आंसर होगा इसका। क्या कर रहे हो भाई, अरे न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस ये क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है ना, न्यूक्लियोलस को आरएनए की फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। स्फीरोसोम क्या करता है, लिपिड से रिलेटेड है। पराक्सिसोम क्या करता है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल करता है। तो फर्स्ट का फोर ए हो गया, बी का फर्स्ट ए हो गया, सी का थर्ड ओ हो गया, नहीं तब ए होगा, ए सॉरी ए होगा, सी आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सी आंसर, सी सर, सी 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 सही, सी ही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट,
As they release hydrolase that digest old and damaged cell, the term suicide bag for cell biologist for. Lysosome, B answer. अगला मैच द मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. लाइसोसोम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सेंट्रियोल. लाइसोसोम का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, राइबोसोम का हो जाएगा, लाइसोसोम का क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन. तो ए का सेकेंड, राइबोसोम का हो जाएगा फर्स्ट. तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, पकड़ लिए 45 का ए. 46, माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिमिलर लुकिंग पार्टिकल इन लिविंग सेल्स बाय वर्चू सेल्स एंड वर्चू ऑफ देयर एफिनिटी टू डाई नोन एज. माइटोकॉन्ड्रिया को दो तरीके, दो पिगमेंट से स्टेन करते हैं, आपको याद होगा, जेनस ग्रीन बी और क्रिस्टल वायलेट. जेनस ग्रीन बी और क्रिस्टल वायलेट, ये दो चीज़ों से उसको करते हैं. तो जे सी होगा, इसका सी होगा. कौन ए बोला है, ब्यूटी ए बोली हो, नहीं सी होगा. राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस में. राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को. मैच फर्स्ट विथ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. RER, SER, Golgi complex, lysosome cells. RER protein synthesis, मतलब A का third, SER second, B का second, Golgi complex, lysosome. बताओ इसका, A सही है. Is the single membrane bound, कौन सा इसमें single membrane bound cell organelle, सभी हैं. Spirosome भी single होता है, lysosome भी single होता है, ग्लाइऑक्सिसोम भी सिंगल होता है, और डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी. नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा, डी. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस, ये बताओ यार, माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट. ए आंसर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां होता है. थाइलेकोइड, सी आंसर. लाइसोसोम आर रिजर्वायर स्टोर हाउस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. 53 का ए. नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल वन इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन. ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, देखो इसमें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों. इसका करेक्ट आंसर क्या होता मालूम है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. दिस इज ए करेक्ट आंसर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. इसमें कोई नहीं होगा, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर सबको, इसका नंबर सबको दिया जाएगा, बोनस इसको बोलते हैं. इसमें ये इसके जगह ये होना चाहिए था ऑप्शन. नेक्स्ट, टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. यस, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनल तो है ही,
The type of ribosome found in prokaryote is 70S ribosome. B answer. 55 का B. Next, cell organelle responsible for autolysis. Lysosome. Next, the function of glyoxysome is protein metabolism, carbohydrate metabolism, fat metabolism. Glyoxysome क्या करता है? Fat metabolism. See, cell which is secretory in function have abundant dictyosome. See answer इसका भी. जल्दी जल्दी आंसर दो आप लोग. सिक्रीशन किसका? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन. इसको पढ़ो जल्दी से. स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, सेलेक्ट दी करेक्ट वंस. दीज आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मैट्रिक्स कंटेंट. जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा होगा. 59 का. 59 का करेक्ट आंसर क्या है? सही है. अगला, राइबोसोम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली. साइटोप्लाज्म में 80S होगा, क्लोरोप्लास्ट में 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S. करेक्ट आंसर इज बी, 60 का बी. अगला, रीड द गिवन स्टेटमेंट. फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कौन सा आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 62, 61. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल इन फ्लैजिलम एंड ए सेंट्रियोल रिस्पेक्टिवली. नाइन प्लस जीरो फ्लैजिलम होगा, सेंट्रियोल में नाइन प्लस टू फ्लैजिलम होगा, नाइन प्लस जीरो सेंट्रियोल में. तो हो जाएगा डी आंसर. 62 का कौन सा? जल्दी से बोलो. 62 डी. विच आर दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंजाइम एग्रीगेटेड इन कॉम्पैक्ट एसोसिएशन. माइटोकॉन्ड्रिया हाईली फोल्डेड इनोवल, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट विच आर एबल टू सिंथेसाइज एटीपी. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग एटीपी हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल. बी आंसर होगा इसका बच्चों. 63 का बी होगा. कह रहा है कि इसका क्या सबूत है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव हाईली फोल्डेड इनर वॉल. चलो इसका कोई मतलब नहीं है, यह सही है. डिस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट. जब माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ते हैं तो मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंट मिलता है विच आर एबल टू सिंथेसाइज एटीपी. क्योंकि फ्रेगमेंट मिलता है वो सिंथेसाइज करता है. माइटो एनिमल टेंडेंसी टू कंसंट्रेट दी सेल एंड बिकम लोकोमोटरी. डी आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा इसका. द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन टू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म. इट इज कॉल्ड. एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, किसमें होगा?
नहीं अन्वेषा, फोर्थ नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिक्सटी फोर का बी अगला, रीड द गिवन स्टेटमेंट। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ क्रोमोसोम एंड फॉर्म टू इक्वल आर्म्स। क्रोमोमियर हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर लाइज क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्मिंग वन एक्सटर्न एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी आर्म। सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम, बताओ जल्दी से, ये पूरा बना हुआ है, किए होंगे आप लोग, ये बहुत ईजी है। ए राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, जल्दी जल्दी बताओ, 24 क्वेश्चन और करने हैं, 90 क्वेश्चन, 66 नंबर है। सी नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज। डी 67 का, लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड्स इनर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स आउटर साइड। बोथ हेड टेल टुवर्ड आउटर साइड, हेड टुवर्ड्स आउटर साइड, टेल टुवर्ड्स इनर साइड, बोथ हेड एंड टेल टुवर्ड्स इनर साइड, कौन सा होगा इसका? 68 का कौन सा? सी होगा। द मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन दैट लिमिट इट्स परमेबिलिटी आर दी। सिक्सटी नाइन बी, लेटेस्ट मॉडल, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द, लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, डैनली एंड डेविडसन मॉडल एंड रॉबर्टसन मॉडल। डैनली एंड डेविडसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था ना, सॉरी फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सबसे एडवांस कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट, विच वन इज द इनकरेक्ट अबाउट ऑस्मोसिस? ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवर? गॉल्जी बॉडी, कैमिलो गॉल्जी ने खोजा था इसको। किसने खोजा था? कैमिलो गॉल्जी ने। तो इसका आंसर कौन सा होगा? गॉल्जी बॉडी। अगला है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? पांच मिनट, प्लाज्मोडेस्माटा इसका होगा 674 का सी। नेक्स्ट, ए ऑर्गेनेल, एन ऑर्गेनेल विथ इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक 9+2 अरे यार इज द माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया, फ्लेजिलम एंड साइटोस्केलेटन।
द कोर ऑफ सीलियम ऑफ फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड देयर एसोसिएट प्रोटीन इज कॉल्ड। एक्सोनिम होगा, सेंट्रल राइज फ्रॉम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटर मेम्ब्रेन। बी 78 का बी विच आर यू फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू गिवन फिगर। 1 होगा, काइनेटोकोर 2 होगा, आर्म गड़बड़ हो गया इसमें, तो बी आंसर होगा इसका। विच वन ऑफ दिस नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पराक्सिसोम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल परफॉर्म फोटोरिस, जल्दी से बताओ इसका। ए होगा। What is true about genetic material of prokaryotic cell? Like histone, not enveloped by nuclear membrane, composed of single DNA molecule, all of this. 82 का अगला। The most likely method used to determine the ultrastructures of a cell organelles. कौन सा होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 83, आंसर तो मिल चुका है, सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। कौन सा इसमें सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है? वायरस, मतलब सी आंसर। 85, हु प्रपोज मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी? रुडॉल्फ विर्चाउ ने, डीबी आंसर। सुमन कौन सा, मतलब मैं बोल तो रहा हूं, सॉरी। हु प्रपोज मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी? रुडॉल्फ विर्चाउ। आंसर हालांकि मिल चुका है आप लोगों को, आंसर मिला होगा आंसर की। यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर इज फर्स्ट स्टडीड बाय, यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय पाश्चर। सी विच आर द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट? कॉमन टू प्रोकैरियोट और मेनी यूकैरियोट, क्रोमोसोम प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सब सेलुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट।
फीचर इन कॉमन फॉर प्रोकैरियोट एंड टू मेनी यूकेरियोट, सेलवाल प्रेजेंट होता है होगा, सेलवाल तो सब में होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी 88 सेल रिकॉग्निशन कौन बनाता है, डी आंसर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का बी सही है बी, और लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज नॉट यूकेरियोट, युगलिना तो यूकेरियोट है, एना बेना क्या है, एना बना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, प्रोकैरियोट। तो बच्चों ये 90 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए, कल मेरी क्लास है, कल आप शेड्यूल देख लीजिएगा, कल मैं अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल मैं अमीनो एसिड एकदम लास्ट क्लास में, हालांकि डी फॉर्म एल फॉर्म मैंने आपको सिखाया था, लेकिन कल मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा अमीनो एसिड। थैंक यू।